मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया गया राजस्थान में। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार मोनू मनेसर को संरक्षण दे रही है, कब गिरफ्तारी होगी? चलिए जवाब दे लेते हैं, सैयद जफर इस्लाम जवाब दीजिए। इतना तकलीफ ओके है विदेश में, आपने सारा समय तो फिरोज बग के साथ डिबेट में ही गवा दिया। मुसलमान एमपी और मिनिस्टर सैयद जफर इस्लाम, सैयद जफर इस्लाम पूछना चाहता हूँ, बहुत अच्छी डिबेट हो रही है, 1-to-1 ओके बनेगा। ओके आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए आदिल हसन, आप सुन लीजिए, हैर उगल रहे हो आदिल हसन, आप सुन लीजिए, लगा रहे हो तुम फिरोज बग साहब, प्लीज 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 हैर उगला है, जफर इस्लाम जवाब दीजिए, हिंदुस्तान को बर्बाद किया है, एक मिनट दबाही बकते में आग लगाते रहते हैं, शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। सैयद जफर इस्लाम को स्क्रीन पर लाइए और कोई नहीं आएगा। सैयद जफर इस्लाम आदिल हसन का जवाब दीजिए, 40% बजट क्यों खत्म हो गया ये बतलाएं, मेजॉरिटी माइनॉरिटी के सैयद जफर इस्लाम बोलिए, आप ही की आवाज आएगी। आदिल हसन होल्ड ऑन, आदिल हसन रुकिए, सैयद जफर इस्लाम और कोई नहीं दिख रहा, आदिल हसन पीयूष पार्टी के हैं जो समाज को और खास कर मुस्लिम समाज को गुमराह करने वाले हैं और गुमराह करते रहते हैं और सोचते हैं कि सत्ता में कहीं ना कहीं इनके इसके बेसिस पे आ जाएंगे, लेकिन देश की जनता और खास कर मुस्लिम समाज भी समझती है कि वैसी को अपना मकसद, अपना कोई ना कोई मकसद है, राजनीति मकसद है, इसलिए कहीं ना कहीं वो मुस्लिम समाज को इस्तेमाल करना चाहती है और वो इस्तेमाल मुस्लिम समाज वैसी के हाथ में नहीं हो सकती, इसलिए कि मुस्लिम समाज समझती है कि देश के नागरिक होने के नाते देश में क्या हो रहा है उस पर नजर रखने का रखना है, और देश मजबूत हो रहा है उससे मुस्लिम समाज भी मजबूत हो रहा है, मुस्लिम समाज के आप देखिए हालात जो है बहुत बेहतर हुए पहले से, लेकिन ओवैसी के आंखों में चश्मा नहीं लगा हुआ है, पता नहीं क्यों उनकी पार्टी के लोगों को कुछ दिखता नहीं है, इसलिए जब देश आगे बढ़ रहा है तो उनको लगता है कि उनकी पार्टी पीछे हो रही है, मैं मानता हूँ इस बारे में, इसलिए समझ गए लोग, कभी अरे चुप रहो बीच में मत बोलो, हम बीच में नहीं बोल रहे थे तुम्हारे, आप जो हम बोल रहे हैं तो आप अंधे कुएं में तुम धकेल रहे हो देश को, एक रुपया नहीं मिला है, ये बीच में बोलने के साल के देश बहुत आगे पहुंच गया, बीच में बोलिए, आपको बीच में हम नहीं बोल, मैं बीच में नहीं बोलता, आप बर्दाश्त नहीं होता, मैं नहीं बोला, 40% मानिटी बजट घट गया है आपके चलते, आप अरे आप अरे रहने दो, जहर उगल रहे हो, फिरोज बग साहब आपके पास आऊंगा तब बोलिएगा, मैं अनुराग भदौरिया को लाना चाहता हूँ, एक मिनट अनुराग भदौरिया, एक मिनट रुके, सैयद जफर इस्लाम अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए, समय कम है, सैयद जफर इस्लाम एक मिनट रुके, फिरोज बग साहब रुकिए, आपसे गुजारिश है, सैयद जफर इस्लाम 20 सेकंड, आदिल हसन होल्ड ऑन, आदिल हसन का ऑडियो रुकिए, सैयद जफर इस्लाम केवल आप लाइए, अपने परिवार का भी वोट नहीं ले पाएगा, समझ रहे हो, इसलिए कि परिवार को भी समझ गया है कि इसका जो खोटा पहन के ये जो है मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए उसको हर जगह हार मिल रही है और हार शिकस्त मिलेगी, इवन हैदराबाद में भी, ये जान लीजिए आप, इसलिए हम वैसी मत कीजिए, वैसी का जो है भांडा फूट चुका है, क्या उसका असल मकसद है, बस मुस्लिम समाज को इस्तेमाल करना है, बस उसके अलावा कुछ नहीं, यहाँ बात कर रहे हैं देश की, और मेरे पास समय खत्म हो चुका है, अनुराग भदौरिया 20 सेकंड कुछ कहना चाहते हैं आप इस पर? देखिए मैंने इनको बोला देश में मणिपुर जल रहा है, क्या जिम्मेदारी हमारी आपकी नहीं बनती, क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर समय बचा तो आऊंगा, साबरा साहब समय कम है, 52 दिन हो गए और कोई नहीं 52 दिन हो गए और अभी तक उस पर कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई जिससे वो इसी पर जवाब ले लेते हैं, समय कम है, आपने बुलाई है तो 50 दिन बाद, अरे 50 दिन पहले विपक्ष दलों की मीटिंग बुला लेते हैं, ये हिंदुस्तान हमारा है ना, परिवारवाद है, दुनिया समझ गई, अभी दो बार आप पावर से बाहर रह चुके हैं, आपको पता नहीं है, चलिए समय कम है, साबरा साहब 10 सेकंड, आपके तो शायद नेता भी नहीं बैठे, रुकिए ना, आप सैयद जफर इस्लाम है आपके पास, देखिए बीजेपी के प्रवक्ता ने एक डायलॉग मारा, सारा जमाना मोदी का दीवाना, लेकिन भूल गए कि पिछले एक साल में 2 चुनाव ये हार चुके हैं, मोदी के दीवाने नहीं है, हिमाचल और कर्नाटका में आप हारे हो और कर्नाटका तो बहुत बुरी तरह हारे हो, ठीक है तो क्या यही जुमले बोलना छोड़ दो, ये टीआरपी और हेडलाइन मैनेजमेंट की गेम को बंद करिए, सैयद जफर इस्लाम 10 सेकंड, अपोजिशन यूनिटी है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी जो है आप कर रहे हैं वो सब 2024 आने तक सब बिखर जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया, 2024 में ही अब इस बात को तय किया जाएगा कि कौन मोदी का दीवाना है और कौन उनका विरोधी है।